दोस्तों आज के वीडियो में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली फ्री मोबाइल योजना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि फ्री मोबाइल योजना आखिर है क्या, किसको यहाँ पे फ्री मोबाइल मिलने वाला है और इसके लिए आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, आवेदन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज होना चाहिए और इसके लिए कौन कौन पात्र है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी गवर्नमेंट की फ्री मोबाइल योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और इसका पूरा तरीका जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि फ्री मोबाइल योजना है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री मोबाइल योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। फ्री मोबाइल योजना के द्वारा राजस्थान की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए गए। इसके तहत 1.30 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना था और अब तक 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ मिल चुका है। फ्री मोबाइल योजना में लगभग 6,720 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन दिया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा भारत देश को डिजिटलीकरण बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश के सभी छात्र छात्राओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा मुफ्त में मोबाइल फोन प्रदान किए जा रहे थे, जिससे कि वे डिजिटल भारत से जुड़ सके और फ्री मोबाइल योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा फ्री मोबाइल योजना को प्रारंभ किया गया था। फ्री मोबाइल योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्मार्टफोन में 3 साल तक के लिए फ्री इंटरनेट, डाटा, कॉलिंग और मैसेज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही चिरंजीवी परिवार के मुखिया महिलाएं 3 साल तक स्मार्टफोन फ्री यूज कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि फ्री मोबाइल योजना की लिस्ट में आप अपना नाम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री मोबाइल योजना लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर योजना की लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज कर यहाँ से आप योजना की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो ये योजना राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और सरकार से पेंशन प्राप्त कर रही हूँ या मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर चुकी हूँ तभी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी। बात कर लेते हैं कि फ्री मोबाइल योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, 4 आपके पास पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए और अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो वो भी आपको लगाना है, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए अब आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आवेदन कैसे करें। यदि आप फ्री मोबाइल योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसे देखकर आप फ्री मोबाइल योजना में अपना फ्री स्मार्टफोन योजना में रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर बताई गई जानकारी के अनुसार यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको अपना नाम योजना की लिस्ट में चेक करना चाहिए। यदि पात्र होने के बाद भी आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप 181 यानी कि 181 पे आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 24 घंटे में ही फ्री मोबाइल योजना में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में से पात्र नहीं है और आपके पास जन आधार कार्ड है या आपको फ्री राशन मिलता है और आपने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका नाम फ्री मोबाइल योजना के अगले चरण की लिस्ट में अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये थी फ्री मोबाइल योजना की पूरी जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्री मोबाइल योजना क्या है, किसके लिए, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किस तरह से आपको आवेदन करना है और अगर आपने आवेदन किया था तो अपना नाम आप लिस्ट में किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।